बड़ा कैफ, बातों ही बातों में इन दोनों ने ये बात तो साफ कह दी थी कि काम एक दूजे के साथ करना चाहते हैं। विकी हालांकि कई बार इस बात का इजहार कर चुके थे कि वो कटरीना के साथ शादी करके सेटल होना चाहते हैं। इनके डेटिंग र्यूमर्स खूब सारे आए, लेकिन यहाँ आखिर में जो हुआ वो कमाल का था। डेटिंग र्यूमर्स के बीच में विकी और कैट ने शादी कर ली और जो एक दूसरे के सामने हाथ थामे हुए नजर आए हैं, कटरीना कैफ की मांग में सिंदूर सजा था, गले में मंगलसूत्र था और हाथों में थी लाल चूड़ियां। इनकी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस जो साथ हुई वो हस्बैंड वाइफ के तौर पर हुई। इससे ज्यादा खूबसूरत भला क्या हो सकता है। आप इस वक्त सोशल मीडिया पर कटरीना कैफ की लव लाइफ, उनकी पास्ट लाइफ, इन सब से जुड़ी हुई खबरें सुन रहे हैं, लेकिन विकी कौशल की भी जो लव लाइफ है वो कोरा कागज नहीं रही है। जी हाँ, विकी कौशल की लव लाइफ में भी काफी हरियाली रही है और इसी हरियाली से जुड़ी अपडेट्स हम आपको देंगे। विकी का जादू कटरीना के सिर पर तो चढ़कर बोला ही, लेकिन उससे पहले भी इंडस्ट्री की कई हसीनाएं थीं जो विकी कौशल को पाने के लिए सारी हदें तोड़कर रख देने के लिए तैयार थी। आलिया भट्ट से लेकर अनुष्का शर्मा और भूमि पेडनेकर से लेकर तापसी पन्नू, ये वो अभिनेत्रियां हैं जिनके साथ विकी कौशल के डेटिंग र्यूमर्स खबरों के बाजार में हलचल पैदा कर चुके हैं। हम आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करेंगे और उसमें आपको बताएंगे, उसके जरिए आपको दिखाएंगे कटरीना कैफ से पहले विकी पर किन हसीनाओं का दिल आया है और विकी कौशल अपना दिल किन अभिनेत्रियों की खूबसूरती पर हार बैठे थे। ओवरऑल विकी कौशल की डेटिंग लव लाइफ से जुड़ी ही ये रिपोर्ट है जो हम आपको दिखाएंगे, सुनिए जरा। कटरीना कैफ और विकी कौशल हाल ही में शादी के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। 20 दिसंबर को मुंबई के JW मैरियट में रिसेप्शन पार्टी देने वाले हैं। इस रिसेप्शन पार्टी में सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे कई कलाकारों के शिरकत करने की खबर आ रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को ध्यान में रखते हुए इस रिसेप्शन में आने वाले गेस्ट को RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी। फिलहाल रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने को लेकर ये गाइडलाइन सामने आई है। आपको बता दें, कटरीना कैफ की लव लाइफ खुली किताब की तरह रही है। जिस तरीके से कटरीना का लिंकअप सलमान खान, रणबीर कपूर के साथ रहा और किस तरीके से इनका ब्रेकअप हुआ, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन विकी कौशल के बारे में अभी तक ज्यादा लोगों को नहीं है पता उन्होंने किया है किस किस को डेट। भाई विकी जो इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा है, इंडस्ट्री में जिस तरीके से अपने पैर जमा रहे हैं, विकी कौशल की लव लाइफ अब तक लोगों की नज़रों में उतनी ज़्यादा नहीं आई है। लेकिन इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उन अभिनेत्रियों के बारे में जिन पर विकी का जादू कुछ इस कदर चला कि अभिनेत्रियां विकी के प्यार में हर हद से गुजरने को तैयार हो गईं। आपको बता दें, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तापसी पन्नू का आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तापसी पन्नू विकी कौशल को इस कदर चाहने लगी थी कि उन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी विकी कौशल के नाम ट्रांसफर करने तक का मन बना लिया था। विकी को दिलोजान से चाहने वाली हसीनाओं की लिस्ट में अगला नाम है दम लगा के हईशा की अभिनेत्री भूमि पेडनेकर का, जिनका ऑफर विकी कौशल ने ठुकरा दिया था। विकी के प्यार में पड़ने वाली तीसरी अभिनेत्री का नाम है श्वेता त्रिपाठी। श्वेता और विकी कौशल ने फिल्म मसान में साथ काम किया। एक समय श्वेता फिल्म में विकी के साथ काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने विकी से ज़्यादा फीस लेकर इस फिल्म में काम किया। फिल्म में काम करने के बाद श्वेता विकी को चाहने लगी और उन्होंने फिल्म की पूरी फीस वापस कर दी। बॉलीवुड गलियारों में विकी कौशल का नाम सोनर कपूर से भी जोड़ा गया है। राजी फिल्म में विकी कौशल के साथ आलिया भट्ट काम कर रही थी और ये दावा किया जाने लगा कि विकी आलिया को अपना दिल दे बैठे।
साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म लव पर स्क्वायर फुट में विकी कौशल के अपोजिट काम करने वाली अभिनेत्री अंगीरा धर ने उनसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई, ऐसा कहा जाता है। आपको बता दें, किसी भी अभिनेत्री में विकी कौशल को कोई दिलचस्पी नहीं रही। उसके पीछे की वजह ये है कि विकी हमेशा से कटरीना कैफ को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे, हमेशा से कटरीना कैफ के साथ शादी करके सेटल होना चाहते थे।